क्लास सेवेंथ चैप्टर थ्री रीचिंग फॉर स्टार्स। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है कल्पना चावला की। उन्होंने एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट मैंने अंतरिक्ष यात्री के कपड़े पहने हुए हैं। पीछे अमेरिका का आपको झंडा भी दिखाई दे रहा है। और वो थी एक इंडियन जो अमेरिका मूव कर गई थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। रीचिंग फॉर स्टार्स का कहलाता है मतलब बहुत ऊंचाई तक जाना। पर कल्पना चावला तो सच में ही तारों के बीच पहुंच गई थी। कैसे पहुंच गई थी ये अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग। पहला जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट क्या होता है? अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं, जैसे कि आप कल्पना चावला की तस्वीर देख रहे हो। दूसरा कीन मतलब उत्सुक, किसी काम को करने की इच्छा होना बहुत ज़्यादा। बर्थ जन्म, राइट मैंने अधिकार, तो जन्म से ज़्यादा। रेजिडेंट निवासी, फ्ली मैंने भाग जाना। जो ये छोटी सी मक्खियाँ होती हैं इनको भी फ्ली बोलते हैं क्योंकि एकदम से उड़ जाती हैं, भाग जाती हैं। स्क्रैच वो भी होता है खुजाना, स्क्रैच होता है निशान, तो स्क्रैच मैंने कबाड़, बहुत बुरी हालत, कमज़ोर हालत। एक्रोबैटिक मतलब जैसे अब जिमनास्टिक होती है अपने शरीर, जैसे सर्कस में लोग करतब दिखाते हैं शरीर से जुड़े हुए, तो दैट इज़ एक्रोबैटिक। असाइनमेंट, जो काम सौंपा गया। ले पर्सन ले पीपल आम आदमी को कहा जाता है जिसको किसी चीज़ की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, बस थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, जैसे कि हम और आप। असाइन मैंने सौंपा गया काम, असाइनमेंट असाइन हुई। डिसबिलीफ मैंने मन में शंका होनी या अविश्वास होना। हॉरिफिक, हॉरर से बना हॉरिफिक, भयानक। मिशन आप जानते ही हो कि किसी काम को सोच लेना और करने के लिए चल पड़ना। तो बॉर्न इन 1961 इन करनाल में पैदा हुई 1961 में, स्मॉल स्लीपी टाउन ऑफ हरियाणा। स्लीपी टाउन मैंने शांत सा नगर, जहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, जैसे कि अबोहर है। बड़े शहरों में होती है ना बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़, बड़े बड़े काम होते हैं, कंपनीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, लोग एस्ट्रोनॉट भी बनते हैं, वो काम भी वहाँ चलते हैं, न्यूज़ चैनल होते हैं। तो करनाल की बेटी कल्पना चावला रोज टू बी द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट, तो वो पहली भारतीय महिला एस्ट्रोनॉट बनी, अंतरिक्ष शास्त्री बनी। शी वॉज द सेकेंड इंडियन टू गो टू स्पेस। तो फर्स्ट इंडियन कौन थे? फर्स्ट इंडियन थे राकेश शर्मा, जिन्होंने चांद पर कदम रखा, पहले भारतीय। द फर्स्ट वॉज इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। स्क्वाड्रन लीडर जो है ये एयरफोर्स की एक पोस्ट होती है, उपाधि होती है। शी वॉज अ कीन मेकर ऑफ एरो मॉडल्स एज ए चाइल्ड। जब वो छोटी थी तो वो जैसे आप कागज़ का जहाज बना लेते हैं, तो इस तरह के वो एरो मॉडल्स बनाती होती थी। शी ऑलमोस्ट कंसिडर्ड इट हर बर्थ राइट टू बी ए रेजिडेंट ऑफ मिल्की वे। वो समझती थी कि उनका ये जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि वो किसके रेजिडेंट हैं? वो मिल्की वे के रेजिडेंट हैं। मिल्की वे क्या होती है? जो गैलेक्सी, जैसे जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसको मिल्की वे बोलते हैं। तो कल्पना वॉज बॉर्न इन टू बनारसी लाल चावला एंड संयोगिता देवी हु हैड टू फ्ली फ्रॉम पाकिस्तान। कल्पना किन के घर पैदा हुई? बनारसी लाल चावला और संयोगिता देवी के, जिनको पाकिस्तान से भागना पड़ा ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ 1947। हर फादर हैड ए थ्राइविंग टायर बिजनेस। थ्राइविंग मैंने फलता फूलता चहल पहल वाला टायर बिजनेस था, विच ही हैड बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच, जिन्होंने जिसको बिल्कुल स्क्रैच कबाड़ से शुरू किया था, जीरो से। कल्पना चावला बिगेन हर एजुकेशन एट ए स्कूल इन करनाल। हर ड्रीम बिगेन वेन एट द एज ऑफ 8 हर फादर टुक हर टू करनाल फ्लाइंग क्लब। शुरू हुआ जब उसके पिता उसको करनाल फ्लाइंग क्लब में ले गए फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस वॉज हर फर्स्ट जर्नी टू स्पेस। तो ये पहला कदम था उनके अंतरिक्ष यात्री बनने और वो जो स्पेस में गई उसमें। देयर आफ्टर इसके बाद फ्रॉम 1978 टू 1982 शी डिड हर बैचलर्स इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब एग्रीकल्चर कॉलेज, पैक चंडीगढ़ में है पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ में, तो वहाँ से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। शी वॉज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वो पहली वुमेन थी अपने डिपार्टमेंट की जिन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की थी।